हेलो एवरीवन, मैं हूँ निशा और निशा पैसन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, समर वेकेशन स्टार्ट हो गई है, सभी लोग अपने अपने हॉलीडे डेस्टिनेशन को सर्च कर रहे होंगे। तो चलिए, आज मैं आपको एक डेस्टिनेशन ग्वालियर रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पर लेकर चलती हूँ। रानी लक्ष्मीबाई किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है, हर कोई जानता है रानी लक्ष्मी को। तो चलिए रानी लक्ष्मीबाई के समाधि स्थल पे। ज्योति जलाई आज़ादी की, देकर के कुर्बानी, युग युग तक इतिहास कहेगा तेरी शौर्य कहानी, जय झांसी की रानी। चलिए आज हम आपको ग्वालियर में झांसी की रानी के समाधि स्थल से बुलवाते हैं। ये है झांसी की रानी की समाधि स्थल। झांसी से जब अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते वो लौटी थी और उन्हें यहाँ पे अंग्रेज़ों ने उनका अंतिम दिन घोषित किया था, उन्हें मारा था, उन्हें शहीद किया था। ये है उनकी शहीद स्थल। ये है हमारी वीर वीरांगना, हमारे देश की झांसी की रानी की समाधि स्थल। हम लोगों के लिए गौरव गाथा है, ये गौरवपूर्ण इतिहास झांसी की रानी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी की रानी थी। खैर सर, इन लोगों की आज़ादी, दी हुई आज़ादी, इन लोग की शहादत पे हम अपने आप को सुरक्षित रखे हुए हैं, अपने आप को यहाँ जीवित रखे हुए हैं। ये इन लोगों की दी हुई आज़ादी है जो हम जी रहे हैं। युग युग तक लोग इस इतिहास को दोहराएं, एक वीरांगना की स्मृति चिन्ह सही दस्तक। फ्रेंड्स, ये थी झांसी की रानी, हमारे गौरवपूर्ण इतिहास में सुसज्जित एक वीरांगना की समाधि स्थल। होपफुली आपको अच्छी लगी होगी, तो आप अपने हॉलीडे डेस्टिनेशन में इसे भी चूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ 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 लाइक और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।